सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। नरेंद्र नगर में स्वयंसेवी संस्थान जिज्ञासा ट्रस्ट ने गरीब, असहाय और आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के होनहार बच्चों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। जिज्ञासा ट्रस्ट संस्था की अध्यक्ष सुनीता रावत और संस्थापक सचिव पिंकी पवार ने प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की ड्रॉइंग और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की। साथ ही प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। पुरस्कार पाकर बच्चे बड़े खुश भी दिखाई दिए। मैं हूँ तनु। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे स्कूल में खेल भी हो रहा है और मैम ने मैम लोग भी आए हैं और ड्राइंग भी हो रही है मेरे स्कूल में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बल आज मैं चाहती हूँ बल हमेशा भी ऐसे हो मेरे स्कूल में। भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उनकी शिक्षा पर काम करने के लिए। और दूसरा हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य और जानवर, जो लोग सड़कों पे, जो फुटपाथ पे लोग और जानवर रहते हैं, उनके लिए हम कार्य करेंगे। ये पहला हमारा आज विद्यालय है जहाँ पे हम पहला कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हमने चित्रकला और सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता रखी है, जिसमें जो भी बच्चा प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेगा, उसमें हम जो बच्चा प्रथम आएगा उसकी सारी दीक्षा शिक्षा जो भी होगी उसका खर्चा हमारी ट्रस्ट करेगी। जिज्ञासा संस्था के द्वारा हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए ड्रॉइंग का कॉम्पिटिशन करवाया गया और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई। और मैडम ने जो है बेंच वगैरह में थोड़ा ड्राइंग वगैरह करके उसको कलात्मक रूप दिया है बेंच वगैरह को। और ऐसे ही जो है कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन या अन्य जो भी है विद्यालयों विद्यालय पर होने चाहिए, जिसमें बच्चे जो है बड़े उत्साह से प्रतिभाग करते हैं और उनका भी आगे जो है विकास होता है। और अन्य भी स्कूलों में इस तरह के कंपटीशन आगे होते रहने। रुड़की में सीपीयू पुलिस की ओर से लगातार वाहन की चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में सीपीयू पुलिस से सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बड़ी मिसाल दी है। सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने गलत वाहन चला रहे युवक का टेम्पो रिक्शा सीज कर दिया है, जिसको देखते हुए सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने उस व्यक्ति को 1000 की मदद कर नौकरी दिलवाने का वादा भी किया है। सीपीयू पुलिस के सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के किसी व्यक्ति को इस तरह की मदद की गई है। ऊपर से अधिकारियों के आदेश हैं, जो भी जुगाड़ बनाकर वाहन चलाए जा रहे हैं, उनमें लोड का सामान लोड करके कर चला रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी है, उनको सीज करना है, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करनी है। हरिद्वार के बहादुराबाद वन चौकी पर तैनात वन दरोगा नंद किशोर पांडे का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में नंद किशोर पांडे किसी महिला कारोबारी से पेड़ काटने के बदले जुर्माने के नाम पर 20,000 की रिश्वत मांगते हुए सुनाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वो ऑडियो में अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये ऑडियो बीते महीने पहले का बताया जा रहा है, लेकिन आज एक बार फिर इसी वन दरोगा का नया मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने हरिद्वार DFO धर्म सिंह मीणा को लिखित शिकायत पत्र देकर वन दरोगा नंद किशोर पांडे पर कार्रवाई करने की मांग की है और 10,000 की रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया है। लेकर है इसमें सैंडी डंडा भरा था, महंत ये है जो खड़ा निर्माणी खड़ा, ये पुरानी मजरा, उनके खड़े में से हम पेड़ कटवाए तो उसके ऊपर का झंगा था, ऊपर का झंगा था। अब जिसमें क्या नाम, इन्होंने कहा जी 10,000 रुपया दो तो मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। पांडे जी ने कि मैं इसको बंद कर दूंगा। हमने इसके लिए आरजू भी करी, भाई ऐसा ना करे, क्यों करे, तो 1500 जो है ले ले। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो इसे बंद करूँगा, 10,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको। और वार्निश लगा रखा है, दादागिरी दिखा रहा, कह लेगा मैं ले लूँगा, मैं जंगलाती हूँ। हमने कहा भाई ऐसा ना करे, आरजू करे तेरे लिए, मान जा। मानना नहीं, कहने लगा उसे ट्रालियों को हमारी बंद कर रखी है, बहादुराबाद डिग्गी में ट्राली खड़ी है, भट्टाचार्य बहुत तकड़ा कर रहा है, पहले से करता आ रहा है, कई बार इसे लोगों ने इकट्ठे हुए इसे मारधार भी करी इस पर। ऐसा एक प्रकरण संज्ञान में आया है और शिकायतकर्ता ने आके यहाँ पर रिपोर्ट भी दी है, तो उसके क्रम में हमने एक जांच बिठाई है, 3 दिन के अंतर्गत रिपोर्ट मांगी है। जो भी उसमें सत्यता होगी उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी में मुख्य
विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने समस्त विभागों को निर्देशित किया कि लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक करें ताकि लोगों को योजना का लाभ मिले। साथ ही उन्होंने काम को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए भी कहा। इसके अलावा उन्होंने समस्त विभागों को निर्देशित भी किया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति को बढ़ाया जाए। देहरादून में डोईवाला के बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी के 232 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टरों ने 7 दिन का साहसिक और जोखिम भरा प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 ग्रुप में संपन्न हुआ, जिसमें 116 और 116 प्रशिक्षु बीएसएफ अधिकारियों ने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए उच्च मनोबल के साथ अपना प्रशिक्षण पूरा किया। प्रशिक्षण के दौरान वाइल्ड वाटर राफ्टिंग शिवपुर और साथ ही रिवर क्रॉसिंग, यमुना ब्रिज ट्रेनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, एडवेंचर सहित कई तरह के ट्रेनिंग भी दिए गए हैं। साथ ही आपदा में भी अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की मदद करने के गुण भी सिखाए गए हैं। बता दें कि प्रशिक्षण लेने वालों में 9 महिलाएं भी थीं और इस प्रशिक्षण से बेहद उत्साहित भी दिखी। यहाँ पे जो हम सोच के आए थे उससे बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला। हमने तो सोचा था सिर्फ एडवेंचर्स करेंगे, पर हमें यहाँ पे छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें और बेसिक सर्वाइवल टेक्निक सीखने को मिली, जो कि बहुत इजीली कहीं हमें सीखने को नहीं मिलती। सिर्फ एक सिविलियन का एंजॉयमेंट होता है एडवेंचर, पर हमारे लिए एंजॉयमेंट से ज़्यादा था, क्योंकि हम ये अपने जीने के लिए और किसी और की जान बचाने के लिए काम में लगाएंगे। और हमने ये 7 दिन बहुत बहुत ही इंजॉय करके गुजारे हैं। एक टीम वर्क सीखा हमने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी हिम्मत, हमें पता भी नहीं था कि हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो शायद हमने अपनी हिम्मत से ज़्यादा बढ़कर काम किया है। जैसे एकेडमी टेकनपुर में अभी ट्रेनिंग कर रहे 116 प्रशिक्षणार्थियों का 2 ग्रुप, जो 21 फरवरी से आज 5 मार्च के बीच में 116 के ग्रुप में आए थे, दो वीक के प्रशिक्षण के लिए, एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए, और इन्होंने अपनी 2-1 वीक की प्रशिक्षण आज पूरा कर लिया है। इस प्रशिक्षण के दौरान हमने इनको सबसे महत्वपूर्ण है कि हाई एल्टीट्यूड में आपको सर्वाइवल और रेस्क्यू कैसे करना है, उसके टेक्निक्स और उसके तरीके बताए हैं। टोटल मिला के एक मॉड्यूल बनाया गया था, जिसमें इनकी जो प्रॉपर तरीके से एक जो है एडवेंचर ट्रेनिंग दी। चंपावत जनपद की टनकपुर कोतवाली में यौन शोषण का मामला सामने आया है, जहां क्षेत्र के ही एक अधिवक्ता और उसकी सहयोगी महिला पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने और जबरन गर्भपात कराने साथ ही धमकाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला ने केस दर्ज कराया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनके ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने शादी का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाए हैं और उसके बाद से उसका गर्भपात भी किया। इस आधार पर कोतवाली टनकपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना प्रारंभ कर दी। भगवानपुर में जच्चा बच्चा केंद्र खुला है। इस अस्पताल में हर तरीके की सुविधा मरीजों को मिलेगी। अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी विभाग, फीटोलॉजी विभाग, जहर खाए हुए मरीज, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा, एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर स्वराज ने कहा कि बहुत जल्द आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध होने वाली है और गरीबों के लिए विशेष छूट भी दी जाएगी। सर, इस हॉस्पिटल में गायनी, फिजिशियन और सर्जन दोनों तीनों सुविधाएं हैं और इस हॉस्पिटल में जल्दी हम आयुष्मान कार्ड की भी फैसिलिटी अवेलेबल करने वाले हैं। सर, गरीबों को देखते हुए, जैसे कि मध्यकाल में अभी कोरोना की हालत को देखते हुए गरीबों के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी किया, भारी छूट के साथ किया हुआ है हमने ये काम। खबर हरिद्वार के बहादुराबाद से है, जहां भारतीय पत्रकार संघ की तरफ से मीटिंग की गई, जिसमें भारतीय पत्रकार संघ के काफी पत्रकारों ने मीटिंग में पहुंचकर मीटिंग की शोभा बढ़ाई और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष दिलशाद अली ने राजेश लांबा को बहादुराबाद ब्लॉक का महामंत्री और सनत शर्मा को नगर अध्यक्ष बनाया है। जिसमें भारतीय पत्रकार संघ के वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि हम भारत का चौथा स्तंभ है, हम किसी भी तरह का कोई जुर्म नहीं होने देंगे। संघ के जितने भी साथी हैं सबको एक
लड़ी में लेकर चलने की बात, एकता की बात। और पहली जो बॉडी थी हमारी यहाँ भाद्रबाद में, उसे निरस्त करते हुए नई जो बॉडी बनाई, उसके नगर अध्यक्ष भाद्रबाद के शर्मा जी को बनाया है और संजय लांबा जी को जो है वो महामंत्री बनाया गया है। और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि मेहनत से काम करेंगे। इसी आशा के साथ इनको आज नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।